एवरीवन वेलकम आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एमएससी लियो मॉस्को लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी, तो अभी जो है 90% जो स्टूडेंट है लैंग्वेज कोर्स के अंदर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी मॉस्को के अंदर है और मैं डिटेल में बात करूँगा कि कैसी क्या यूनिवर्सिटी है। जल्दी जो है यूनिवर्सिटी का टूर आने वाला है और जो मेन कैंपस है इसका, जो मेट्रो स्टेशन है पार्क उतरेली करके, जो वहाँ पे मेन कैंपस है इसका, तो कैंपस की भी वीडियो जल्दी आएगी और आप सभी जो है बने रहना चैनल के ऊपर। और मैं इंटरव्यू भी लेऊंगा एक दो स्टूडेंट का, पूछता हूँ कैसा क्या एक्सपीरियंस है और कितने देर में जैसे काम वगैरह होता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है उसका, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। एक ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी के बारे में है ना वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को कम्प्लीट एंड तक जरूर देखना। बाकी अभी मैं आपको है ना वेदर वगैरह चेकआउट करवाता हूँ आसपास का, फिर आगे बात करते हैं। अभी ऐसा कुछ वेदर है यहाँ पे, बिल्डिंग वगैरह बन रही है अभी। मैं यहाँ पे अक्सर आके ना वीडियो वगैरह शूट करता हूँ, मेरे को यहाँ पे सही लगता है यार, मतलब उसे ही अपना शांति है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी फूल वगैरह आ रखे हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। वेदर देखो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। आज बादल नहीं है क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, आज इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। इधर जो है ये यहाँ पे ये देख सकते हो ऐसी कुछ बिल्डिंग है, सामने देखो वो बस वगैरह चलती है, देख रहे हो, मतलब इतनी भी नहीं है सर्दी है, देखो सूरज गर्मी सॉरी सही है, अपनी नॉर्मल है, मिड टेम्परेचर है। करते हैं कि मॉस्को लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे डिटेल वगैरह आ जाएंगी। ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी आपकी। अब क्या है फिलहाल के टाइम पे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जो है एंड ऑफ जून चल रहा है, तो फिलहाल के टाइम पे जो है नंबर वन पे जो है ये लैंग्वेज कोर्स के अंदर यूनिवर्सिटी आती है। और जो प्रोसेसिंग टाइमिंग वगैरह है वो भी काफ़ी इसका जल्दी है, और आप जो है मतलब आपका वीज़ा वगैरह लग के प्रोसेस वगैरह करके सारी चीज़ें करके जो है वो आपका आ जाएगा, लाइक कम से कम आपका 10 से 15 दिन के अंदर जो सारा काम हो जाता है। तो प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा फास्ट है इस यूनिवर्सिटी का। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन वगैरह लेना है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको बैचलर्स करनी है यहाँ पे, मास्टर्स करनी है, तो मेरे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, कांटेक्ट कर सकते हो। अब क्या है देखो यहाँ पे आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो फर्स्टली, देन लैंग्वेज कोर्स कम्प्लीट होने के बाद आप अदर्स कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, मास्टर्स करनी है, तो जैसा भी करना है ना, अगर मेडिकल फील्ड में भी करनी है तो वो भी आप ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी यार। अब बात करते हैं कि जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं यहाँ पे, तो उसका क्या सीन है। तो देखो मैं बताऊँगा कि जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी के अंदर वो कैसे क्या होता है। देखो वहाँ पे आपको है ना जो फ़िलहाल जो क्लासेस वगैरह है वो वीक में 2 टाइम जो है वो लग रही हैं आपकी, और मतलब एक डेढ़ से घंटे की क्लास होती है, एक अलग कैंपस में होती है, एक अलग कैंपस में होती है। आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड बनता है, मतलब पूरा प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट को रशिया के अंदर, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और अब बात करते हैं कि मतलब कैसा क्या है, मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे। देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है जल्द श्योर आप आँख बंद करके एडमिशन ले सकते हो। अभी तक किसी भी स्टूडेंट में कोई दिक्कत नहीं आई है और सबके मतलब काम हो रहा है टाइम पे। जैसे रशिया का क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो वीज़ा है ना वो 3 मंथ का लगता है स्टार्टिंग में स्टडी वीज़ा का, फिर यहाँ पे आके एक्सटेंड होता है, तो जो है उसमें भी अपना मतलब स्टूडेंट के एक्सटेंड हो रहे हैं। और जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो होता है सेकेंड वाला, तो काफ़ी अच्छी है यार। मेरे को लगा, मैं सोचा इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, और सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है यार। और जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे पूछते हैं कि क्या है, तो एयरपोर्ट वगैरह में भी कहीं दिक्कत नहीं आती अभी तक। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे होने चाहिए, यूनिवर्सिटी सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, जब आप फीस के पे करते हो तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सारे मिल जाते हैं, इन्विटेशन लेटर भी जो है वो जल्दी मिलता है। रशिया के लिए क्या है आपका इन्विटेशन लेटर मेन होता है, इन्विटेशन लेटर आते ही आप वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग कर सकते हो, तो इन्विटेशन लेटर भी जल्दी ही जो है वो आ जाता है। बाकी देखो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है रशिया के अंदर, अदर यूनिवर्सिटी के भी अंदर आपको एडमिशन लेना है MBBS में, इंजीनियरिंग में, तो अभी बातचीत चल रही है, मैं जल्दी जो है यूनिवर्सिटी की वीडियो भी लेके आऊँगा और उनके कोर्स वगैरह है ना वो भी मैं बनाऊँगा, तो कंप्लीट जरूर देखना और जो है रेगुलर बने रहो यार चैनल के ऊपर, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। अभी मैं मस्त कंटेंट पे काम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो जैसे ही मेरे को और टाइम मिलेगा, अभी जो है मैं बातचीत चल रही है, जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ डिटेल तो मैं वो बताऊँ आपको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपका एडमिशन वगैरह लेना है मेरे नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया।